हे एवरीवन देसी कुकिंग विद एकता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप सबके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल का शाही पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि देखने में कितना कलरफुल और कितना बढ़िया लग रहा है खाने में भी वैसा ही टेस्ट है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है तो चलिए आज की रेसिपी हम यहाँ शुरू करते हैं तो शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैन को गर्म किया है और उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इस पर हमने पनीर को क्यूब्स में कट करके इस तरह से रख लिया है पनीर को आप चाहें तो कच्चा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे फ्राई करके यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मैंने पनीर के सारे पीसेस को इस तरह से रख दिए हैं और इसे हम फ्राई कर लेते हैं तो दोनों साइड से हमें अच्छे से इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है और अब हम इसे एक अलग बर्तन में सेपरेट कर लेते हैं इसके बाद हमने कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे तेल हमने एक टेबल स्पून ही डाला है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और साथ ही में मैंने दो तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची इसमें डाला है और इसके बाद फिर मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं और काजू डाला है जो कि आठ से दस मैंने बादाम ले लिया है और काजू की क्वांटिटी भी सेम ही है इतना ही मैंने काजू भी डाला है आठ से दस अब इन सबको हमें रोस्ट कर लेना है कुछ हम 10 सेकंड तक इसे रोस्ट करेंगे और साथ में हम प्याज ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक बड़े साइज का रफली चॉप करके मैंने प्याज डाल दिया है और साथ में मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर को भी रफली चॉप करके डाला है अब इन दोनों को डालने के बाद हम यहाँ पर दो इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे जो कि इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने फिर लहसुन की कलियों को डाला है जिससे मैंने दस लहसुन की कलियाँ ले ली है और इसे हमें फ्राई कर लेना है तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो कुछ हमें इसे दो मिनट तक फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कप के करीब पानी डाल दिया है इसमें और पानी डाल करके हम इसे दस मिनट तक पकाएंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसे रखेंगे और दो आ, दस मिनट तक हम इसे पका लेंगे तो यहाँ पर मैं इसे ढक कर के दस मिनट तक पकने के लिए छोड़ देती हूँ और यहाँ पर देखिए दस मिनट हो गया है और इसे हमें ठंडा कर लेना है अब हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके गैस को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा करके हमें एक इसे अच्छा सा प्यूरी बना करके तैयार कर लेना है तो उससे पहले मैं इसमें जो हमारे खड़े मसाले हैं ना जैसे तेजपत्ता और बड़ी इलायची जो मैंने डाला था उसे हम साइड में निकाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं इन दोनों को निकाल दे रही हूँ और फिर अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे गैस बंद करके तो थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा अब हम इसे पीस लेंगे हमें इसे बारीक पेस्ट बनाना है और पेस्ट बना करके हम इसे छान लेंगे छन्नी की मदद से तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस करके इसका पेस्ट बना लिया है और कितना स्मूथ इसका पेस्ट बनकर तैयार हुआ है तो इसे मैंने छान लिया है और अब हम एक कढ़ाई को वापस से गर्म करते हैं और कढ़ाई में हमें तेल डालना है तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच तेल डाला है अगर आप चाहें तो बटर का यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने दो इलायची आधा छोटा चम्मच जीरा वो तो लौंग ले लिया है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दालचीनी भी लिया है और जावित्री भी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है इसे हम इसमें डाल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो यहाँ हमें बस कुछ सेकंड ही इसे मिला लेना है और मिलाने के साथ फिर हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी का यूज़ करेंगे अब यहाँ देखिए मैंने हल्दी डाल दिया आधा छोटा चम्मच और इसके बाद फिर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है जिससे हमारा जो सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा तो तेल जो है ना हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल हल्का गर्म रहे तो भी हमें इसे सबको डालना है नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च भी डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें जो मसाले पीस कर रखे थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे और उसे हम मिला लेंगे तो इन सबको अच्छे से मिला लेना है और फिर हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर का यूज़ करेंगे और जीरा पाउडर डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ले लिया है आधा छोटा चम्मच वो भी हम इसमें डाल देंगे और काली मिर्च डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है एक चम्मच तो धनिया पाउडर डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे ढक कर हम पाँच मिनट के लिए मीडियम टू तो स्लो फ्लेम पर छोड़ देना है और यहाँ पर देखिए मैं वापस से ढक्कन हटा कर देखती हूँ और यहाँ पर हमें एक बार वापस से इसे मिक्स कर लेना है और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे देखिए मैंने पानी भी यहाँ पर एक कप के करीब डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं और वापस पानी डाल करके हम इसे मिला करके फिर से हम इसे ढक करके पकाएंगे और वापस इसे हमने ढक दिया पाँच मिनट के लिए अब हम ढक्कन हटा के एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हम ढक्कन हटा लिए और जितनी इसका जिसका जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल बराबर हमें जैसा चाहिए वैसा तैयार हो गया है तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे और गर्म मसाला डाल करके हम इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं यहाँ पर देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और इसका थिकनेस भी जैसा हमें ग्रेवी के लिए चाहिए बिल्कुल वैसा तैयार हो गया है तो अब हम इसे एक बार मिला लेते हैं अच्छे से और मिलाने के बाद हम इसमें पनीर जो फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे अगर आपको पनीर फ्राई करके इसमें डालना पसंद नहीं है तो आप उसे कच्चा भी डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने के लिए आप गुनगुने पानी में नमक डालकर पनीर फ्राई करके बेंगो कर रख सकते हैं जिससे आपका पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और अब सब पनीर को मैं इसमें डाल करके इसे एक बार चला ले रही हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर के पीसेस को यहाँ पर डाल दिया है और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ पनीर डाल के हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है एक से दो मिनट हम इसे पकाएंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे गैस बंद करने के बाद जो ये हमारी ग्रेवी है ना वो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने पहले नमक इसमें नहीं डाला है तो उसके अकॉर्डिंग मैं नमक ऐड कर लेती हूँ तो नमक भी डाल देती हूँ यहाँ पर और फिर नमक के साथ हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे फिर अच्छे से और मिक्स करके फिर इसे हमें ढक करके छोड़ देना है पनीर डालने के बाद हम इसे एक से दो मिनट तक ढक कर के छोड़ेंगे ज़्यादा देर हमें इसे नहीं पकाना है और यहाँ पर देखिए दो मिनट हो गया है और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से थिक हो गई है और अब हमारा कितना अच्छा उबाल भी इसमें आ गया है शाही पनीर में तो एक बार फिर से हम इसे चला लेते हैं और चलाने के बाद फिर हम इसमें गैस बंद करने से पहले हमने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं और डाल करके हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मलाई का यूज़ किया है मैंने मार्केट की मलाई ली है एक बड़ा चम्मच मैंने मलाई डाला है इसमें और मलाई डाल करके हम इसे एक बार फिर से मिला लेते हैं और फिर हम गैस को बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है और दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी इसको बंद करने से पहले हमें यहाँ पर बटर थोड़ा सा डालना है ये ऑप्शनल है अगर आप चाहते हैं तो इसमें बटर डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बटर का क्यूब्स इसमें डाल दिया है और इसे हमें मिक्स कर लेना है और गैस बंद करके हम इसे दो मिनट तक छोड़ देंगे ढक करके और जब दो मिनट में हमारा बटर भी मिक्स हो जाएगा तब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरा शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है आप आप ट्राई करिए और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी और यहाँ पर शाही पनीर बनके तैयार हो गया है आप गर्मा गर्म इसे पराठे या नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तभी तो भी आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा बनकर तैयार हुआ है आप शाही पनीर ज़रूर ट्राई कीजिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग